बुलडोजर। ये बुलडोजर कार्यस्थल पर जा रहा है। बाधाओं को पार करने के लिए इसमें पहिए की जगह ट्रैक्स लगे होते हैं और ये ब्लेड रास्ते से चीजें उठाने के लिए। बुलडोजर के उपयोग से रेत को उठाकर उसका ढेर बनाएंगे और इसे पीछे करके ज्यादा रेत ले सकते हैं। बुलडोजर बहुत मजबूत ट्रैक्टर है। ये 850 हॉर्स पावर का है और वजन है 2.5 लाख पाउंड। तो इसे अपने पैर पर चढ़ने मत देना। ये देखो, ये ले आया एक और रेत का लोड। यहाँ हमारे काम के लिए इतना काफी है। बुलडोजर का काम हो गया, अब ये अपने रास्ते में जाएगा। बुलडोजर के ट्रैक का धन्यवाद। ऊंची पहाड़ियाँ इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सहायता करने के लिए धन्यवाद बुलडोजर। ये आया हॉलर। हॉलर के बड़े पहिए हैं, इसलिए ये बड़ी बाधाओं को पार कर सकता है। हॉलर में भारी सामान रखने की जगह है और इसे ये बाहर फेंक भी सकता है। चलो इसे कार्यस्थल पर लेके चलें। चलो इसे यहाँ खड़ा कर देते हैं और फिर दूसरे ट्रैक्टर से इसे भरेंगे। एक्सकवेटर। बुलडोजर के जैसे एक्सकवेटर में भी पहिए की जगह ट्रैक्स होते हैं। एक्सकवेटर में लंबा बल्ला, भुजाएं और खुदाई के लिए बाल्टी होती है। चलिए एक्सकवेटर के उपयोग से हॉलर को भरते हैं। बाल्टी में लगे दांतों की मदद से हम सख्त मिट्टी को तोड़ सकते हैं। इसका ऑपरेटर शेड के अंदर बैठकर लीवर के उपयोग से बूम, आर्म और बकेट को घुमाता है। चलिए अब अंदर से देखते हैं कि ऑपरेटर को कैसा दिखाई देता है। ये देखो, भुजाओं के घूमने से शेड भी घूमने लगती है ताकि ऑपरेटर को हमेशा बाल्टी दिखाई देती रहे। लगता है इसे भरने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सौभाग्य से फ्लैट बेड ट्रक मदद के लिए आ रहा है और ट्रेलर लेकर आया है जेसीबी लोडर बैकहो। हमारा फ्लैट बेड हॉलर 96,000 पाउंड का भार कार्गो में ले जा सकता है। ये इतना भार कैसे उठाता है, चलिए इसके हुड में देखते हैं। और यहीं पर इंजन है, 425 हॉर्स पावर। अब पता चला फ्लैट बेड ट्रक इतना भार कैसे उठाता है। ट्रेलर के रैंप नीचे उतारो ताकि हम ट्रैक्टर उतार सकें। और इस गार्ड को हटाना होगा जिसने ट्रैक्टर को रोक रखा है। ठीक है, अब इसे ट्रेलर से उतारो। ये काम खत्म होते ही हमारा फ्लैट बेड ट्रक कार्यस्थल से जा सकता है। इस ट्रैक्टर में बैकहो है जो दाएं और बाएं घूम सकता है और बैकहो के अंत में बाल्टी है एक्सकवेटर के जैसे। और ट्रैक्टर के आगे लोडर बकेट है जो कि लोडर बकेट आर्म से जुड़ी है और ज्यादा सामान भरने के लिए ट्रैक्टर इसका इस्तेमाल करता है। एक्सकवेटर और जेसीबी ट्रैक्टर की मदद से हमारा हॉलर बहुत जल्दी भर जाएगा। देखो एक बारी में लोडर बकेट कितनी रेत ले जा रहा है। एक्सकवेटर से एक बार और भर के हमारा हॉलर अगले कार्यस्थल के लिए तैयार हो जाएगा। वहाँ लगता है हॉलर भर गया। अब हॉलर अपना काम करेगा, इस सामान को वहाँ पहुँचाना जहाँ इसकी जरूरत है। आप देख सकते हो कि इसे उबड़ खाबड़ रास्ते से जाने में कोई दिक्कत नहीं। लगता है पुराने शहर की सड़क में कोई समस्या है, पर शुक्र है हॉलर इसे ठीक करने के लिए तैयार है। पहले हॉलर को गड्ढे पर ले जाओ और फिर हमारा हॉलर रेत को गिराएगा। अब हॉलर ने अपना काम समाप्त किया, अब यह घर जा सकता है। सीमेंट ट्रक। सीमेंट ट्रक के अंदर सीमेंट से भरा बड़ा मिक्सिंग टैंक होता है और मिक्सिंग टैंक सीमेंट को मिलाने के लिए घूम सकता है और इसे सूखने नहीं देता। हमारा सीमेंट ट्रक गड्ढे में सीमेंट को भरेगा। सीमेंट को बाहर निकालने के लिए ये रास्ता बना है जो इसे सही दिशा में पहुंचाता है। ये सीमेंट के लिए पाइप जैसा है। एक और पेज फिर सीमेंट बाहर आने के लिए तैयार हो जाएगा। सीमेंट चूना पत्थर, मिट्टी और अन्य सामग्री से मिलकर तैयार होता है। सीमेंट सूखने पर सख्त हो जाता है जैसे फुटपाथ। गड्ढा भरने के लिए हमारे पास अब बहुत सीमेंट है। ये गड्ढा पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, लेकिन परिवहन विभाग के आने तक ये काम कर जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरे कार्यस्थल पर क्या चल रहा है। मुझे एक और मैट चाहिए।
लगता है हमारे कर्मचारी को एक और सेंडर ब्लॉक चाहिए, पर वो यहाँ ऊपर है और सेंडर ब्लॉक यहाँ पर नीचे रखा हुआ है। शायद क्रेन ट्रक हमारी सहायता करे। क्रेन ट्रक के पास लंबा बूम है जो ऊंची जगहों में जा सकता है और हमें यही चाहिए था। क्रेन ट्रक में ये आउटरिगर्स लगे हुए हैं। बूम के पूरा खुल जाने पर ये उसे सहारा देने में सहायता करते हैं। क्रेन ट्रक में बूम को चलाने के लिए ऑपरेटर का अलग से कक्ष है और ये कक्ष ट्रक के अंदर अलग से घूम सकता है। इस पहिए को घुमाकर हम हुक को नीचे कर सकते हैं। ये हो गया। अब हम इस मैट को हुक पर लगा सकते हैं। पहिए की दिशाएं बदलने पर हुक ऊपर की ओर चला जाएगा। बूम के अंदर लिफ्ट सिलेंडर लगा है जो कि बूम के एंगल को बढ़ा सकता है। ये बूम टेलीस्कोपिंग है, यानी इसे बढ़ाकर और भी लंबा किया जा सकता है। लगता है हमने मैट को अब काफी ऊंचा कर दिया। अब ऑपरेटर कक्ष को घुमाकर मैट को जहां पर ले जाना चाहे ले जा सकता है। वहां ये बढ़िया जगह लगती है। अब हुक को नीचे कर मैट को छोड़ देंगे। अब ऑपरेटर कक्ष को घुमाकर बूम को नीचे की ओर कर सकता है और फिर टेलीस्कोपिंग आर्म को अंदर खींच सकता है। और जब ये हो जाएगा फिर हम बूम के एंगल को कम कर सकते हैं और फिर हम आउटरिगर्स को अंदर धकेलेंगे। पहले बाईं साइड और फिर दाईं साइड और फिर हम हुक को कस देंगे ताकि ये सड़क पर ना चली जाए। अब हमारे ट्रेन ट्रक ने अपना काम खत्म कर लिया। चलो अब फार्म पर चलते हैं। डबल व्हील ट्रैक्टर। इस ट्रैक्टर के बड़े पहिए हैं और हिच चीजें जोड़ने के लिए, जैसे ये बोवाई ट्रेलर। बोवाई ट्रेलर मिट्टी को खेती के लिए तैयार करता है और ये बीजों की बुआई भी करता है। चलिए इसे दो पहियों वाले ट्रैक्टर से जोड़ते हैं। अब ये जुड़कर तैयार है, हम इन्हें खोल सकते हैं। इसमें फोल्डेबल सीढ़ी है जो हमें ऊपर पहुंचाकर बीज रखने देती है। आज हम कुछ अनाज बोएंगे। रोटी और दालों में अनाज का उपयोग होता है। ट्रैक्टर बीज बोने की मशीन को खींचेगा और मशीन बीजों की बुआई करेगी। वाह, मिट्टी में उन बीजों को देखो। इसे हाथ से करना बहुत मुश्किल है, इसलिए ट्रैक्टर किसानों की बहुत सहायता करते हैं। ये कम समय में किसानों से ज्यादा काम करवाते हैं। लगता है हमने फसल लगाने में बढ़िया काम किया। जब तक इसकी कटाई का समय होगा तब तक हम दूसरे कार्यस्थल पर चलते हैं। ट्री हार्वेस्टर। ट्री हार्वेस्टर लकड़ी के लिए पेड़ को काटते हैं। लगता है ये पेड़ कटाई के लिए तैयार है। हमारे ट्री हार्वेस्टर ने अपने बूम को तैयार कर लिया है। फिर हम काटने वाले हिस्से को खोलेंगे पेड़ पर पकड़ बनाने के लिए। फिर ये कटाई वाली मशीन नीचे से काटना शुरू करेगी। फिर हम मशीन को खोलेंगे और फिर तने को रोलर के साथ अंदर की ओर धकेलेंगे। अब हमारा हार्वेस्टर तैयार है पेड़ के नए तने को उठाने के लिए। ये तने को लकड़ी के कार्यस्थल पर ले जाएगा। अब लकड़ी लोड होने के लिए तैयार है और इसके लिए टिम्बर ट्रक का उपयोग करेंगे। लकड़ी को उठाने के लिए इसमें पहले से ही क्रेन लगी है। तनों को उठाने के लिए हम इसका उपयोग करेंगे। लकड़ी को आसानी से भरने के लिए हम ट्रक बैठ के एक गेट को खोल देंगे। क्रेन ट्रक के बूम के जैसे इस बूम में भी टेलीस्कोप है। अब हम हार्वेस्टर द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ी को भरेंगे। इस ट्रक का इंजन कक्ष के अंदर है जो इसे भारी सामान उठाने के लिए पावर देता है। लगता है हम अपनी लकड़ी के आखिरी पीस तक पहुंच गए। अब हम भुजाओं को अंदर करके इसे हटा सकते हैं। अब लकड़ी को प्रोसेसिंग के लिए जॉब साइट पर ले जाएंगे। हाँ, हम आ गए। हॉलर के जैसे इस ट्रक के बेड को उठाकर सामान गिराया जा सकता है।
कर्मचारी इसे प्रयोग योग्य लकड़ी में विभाजित करेंगे घरों और अन्य निर्माण परियोजनाओं के लिए। वाह वो देखो फार्म में हमारी फसल कटाई के लिए तैयार है। इसके लिए हम कंबाइन का उपयोग करेंगे। कंबाइन के अगले हिस्से को बोलते हैं हेडर। फसल तक जाने के लिए हेडर को नीचे करो। हेडर के घूमते ही ये फसल को इकट्ठा करता है और फिर कंबाइन अनाज को फसल से अलग कर लेता है। अरे वाह कंबाइन कितना बढ़िया काम कर रहा है अनाज को इकट्ठा करके। जब कंबाइन कटाई कर लेगा तो अनाज का टैंक अनाज से भर जाएगा। यानी कंबाइन से अनाज को स्टोरेज कंटेनर में रखने का समय हो गया। इसके लिए हम ग्रेन ऑगर को बढ़ाएंगे। सिलेंडर के अंदर एक पेच है जो अनाज को धकेलता है। इसे पूरा होते ही ऑगर को वापस लेंगे और स्टोरेज को बंद कर देंगे। काम पूरा होने पर कंबाइन जाने के लिए तैयार है और हम इसे बाकी ट्रैक्टर के साथ खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को बनाकर मुझे बहुत मजा आया। यदि आपको भी आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको धन्यवाद। फिर मिलेंगे।